हेलो फ्रेंड्स, मैंने अभी एक वीडियो डाला था सुबह ही, जिसमें मैंने बताया था कि दो वैकेंसी आई हुई है, एक अकाउंटेंट की और एक तकनीकी सहायक की, और उसकी जो है ऑनलाइन प्रक्रिया अभी चालू नहीं हुई है, लेकिन अब जो है दोस्तों वो चालू हो चुकी है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए यहाँ पर सुबह में लिंक नहीं आ रहा था, अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आवेदन करने के लिए। यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर चलिए क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा, जिसमें कि दो लिंक आएगा, वन टू, आप जिसमें चाहे उसमें क्लिक कर सकते हैं। दोनों सेम लिंक है, दो दिया गया है कि अगर एक काम नहीं करे तो दूसरा काम करेगा, इसलिए दो लिंक दिया गया है। यहाँ पर देखिए पेज खुल गया, यहाँ पर दिखा रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, जो नया है यहाँ से करेंगे, और जिसने कर दिया है दोबारा लॉग इन नीचे वाले में करेंगे, रजिस्टर्ड कैंडिडेट में। चलिए हम नहीं किए हैं तो पहले वाले में करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन में। देखिए क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा, और आपको यहाँ से सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। चलिए हम कर रहे हैं रजिस्टर। पहला है पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप जिसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको क्लिक कर दें, यहाँ से सेलेक्ट कर लें अकाउंटेंट या टेक्निकल असिस्टेंट। चलिए हम करते हैं अकाउंटेंट के लिए। नाम जो भी आपका है अपना भर दीजिए, यहाँ पर फादर या हस्बैंड नेम जो भी है आपका भर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है कि एज इन मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपका नाम है मेट्रिक में सर्टिफिकेट में वही आपको देना है, और नाम से पहले मिस्टर मिसेस श्रीमती कुछ भी आपको नहीं लगाना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपका है उसे आप दे दीजिए। जेंडर यहाँ से भर लीजिए। कैटेगरी जो भी है जनरल एबीसी एसटी एसटी ओबीसी जो भी आपका, चलिए हम अपना भर लेते हैं। अगर आप फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं तो आपको जो है रजिस्ट्री करके देना पड़ेगा मेडिकल बोर्ड के द्वारा, क्या हुआ है उसको, ईमेल एड्रेस, उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद पासवर्ड जो कि आप लॉगिन कीजिएगा दोबारा आगे प्रोसेस करने के लिए, वो देना ज़रूरी है। चलिए और उसके बाद यहाँ पर जो आपको नंबर शो हो रहा है कैप्चा कोड उसको डालना है। चलिए एक बार आप देख लीजिए सब कुछ, आप भर के सब कुछ सही है, उसके बाद यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। अभी सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि सभी अभी इसी लिंक पर अभी क्लिक कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्योंकि अभी जो ये नया नया वैकेंसी आया है सभी अभी इस पर अभी लगे हुए हैं, सभी अभी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, सभी ऑनलाइन डाल रहे हैं, इसलिए सर्वर ज़्यादा बिजी है। देखिए मेरा जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली मेरा हो चुका है, मेरा जो आईडी है ये दिया गया है, और जो पासवर्ड है मेरा सब कुछ आ गया है। प्लीज़ नोट डाउन योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी भविष्य के लिए इसको रखना है। यहाँ से आप चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं, और क्लिक हियर टू कंटिन्यू, और यहाँ से आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या डायरेक्ट आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। ये मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हम आगे हम करते हैं प्रोसेस। चलिए आप सेम उसी तरह से करेंगे, शुरू से देख रहे हैं आप। सर्वर जो है बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, इस वजह से थोड़ा लेट लग रहा है। लिंक आ गया, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अभी शाम का टाइम है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है खुलने में, क्योंकि अभी सारे स्टूडेंट लोग अभी फॉर्म भर रहे होंगे, इस वजह से जो नेट का स्पीड है वो स्लो हो गया है। ये देख रहे हैं मेरा आ गया है, मेरा जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मुझे करना है रजिस्टर कैंडिडेट पे नीचे वाला पे, और मुझे अब आगे करना है प्रोसेस, जो मेरा डॉक्यूमेंट वगैरह है सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा। देखिए ये मेरा आ गया है, अब हम डालते हैं यूजर आईडी।
मेरा पासवर्ड डालते हैं अपना, और वो जो आपको ये कैप्चा कोड है वो डालना है। ये क्लिक करना है लॉगिन पे। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है, इसको आपको पढ़ लेना है। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको फ़ोटो का साइज़ क्या रहेगा, सिग्नेचर का साइज़ क्या रहेगा, कितना डायमेंशन रहेगा, वो आपको पढ़ लेना है और पहले से तैयार रखना है फॉर्म भरने से पहले, ताकि फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत नहीं हो आपको। उसके बाद आपको जब फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि सर्वर पे बहुत ज़्यादा बिजी है अभी, सर्वर बहुत ज़्यादा लोड है अभी, सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि अभी आज ही चालू हुआ ये लिंक। 1-2 दिन में धीरे धीरे ये फिर ठीक हो जाएगा। इस तरह से फिर आपको आएगा वेलकम, जो आपका नाम रहे वो आएगा, और यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेशन चेकलिस्ट जो है वो है। यहाँ पर देखिए पहला दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो जो मेरा है ग्रीन हो चुका है, मतलब मेरा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म पर्सनल डिटेल, वो आपको जो भरिएगा तो यहाँ पर इस तरह ग्रीन हो जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भरना है वो भी ग्रीन हो जाएगा। इस तरह से आपको अपलोड करना है फोटो सिग्नेचर, वो भी आपको यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद फाइनलाइज फॉर्म करके सबमिट कर देना है। जब भी आप अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पर जितना भी है आपको यहाँ पर व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारा आप ग्रीन हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भरने का जो वीडियो है मेरा आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो आपको इस ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने में तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।